everyone, welcome back to my YouTube channel. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है रिएक्शन वीडियो। तो मैं आज एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। मुझे रिएक्शन वीडियोस काफ़ी पसंद थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो तो पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची और इंडिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। हम इन दोनों शहर सुनी थे, हम इन पर रिएक्ट करने में या डिफ्रेंस हैं या नहीं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कराची एंड मुंबई, जिनका स्टेटस अपनी अपनी कंट्रीज में फाइनेंशियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी का है। मतलब कि कराची है पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर, वहीं मुंबई है इंडिया का सबसे अमीर शहर। लेकिन गाइस क्या हो जब 2023 के फ्रेश डेटा के साथ में इन दोनों सिटीज को आपस में कंपेयर कर लिया जाए, कौन सी सिटी जीतेगी इस कंपैरिजन बैटल को जानेंगे आज के इस वीडियो में विद पॉइंट स्कोर। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो कराची की बात करें तो पाकिस्तान की साउथ टिप में बसा यह शहर कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इकोनॉमिक कैपिटल है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की कैपिटल एंड पाकिस्तान की फॉर्मर कैपिटल भी रह चुका है। इकोनॉमिक रेफरेंस से कराची पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर सिटी है, जिसे पाकिस्तान का प्रीमियर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का 35% टैक्स कलेक्ट करता है एंड पाकिस्तान के एंटायर जीडीपी में कराची का 25% का कंट्रीब्यूशन होता है। पाकिस्तान का 95% फॉरेन ट्रेड एंड 90% मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कराची से ही होता है एंड पाकिस्तान के सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर भी कराची में ही मौजूद है। वही गाइस मुंबई की बात करें तो यह सिटी इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है, जो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से फेमस मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी है, जो इंडिया की जीडीपी में अकेले 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया का 25% इंडस्ट्रियल आउट 70% मैरिटाइम ट्रेड ऑफ इंडिया अकेले मुंबई शहर से ही होता है। मुंबई सिटी में कई सारी दिग्गज कंपनीज के हेडक्वार्टर भी मौजूद है एंड यह सिटी इंडिया के बॉलीवुड एंड मराठी सिनेमा का भी घर है। तो आइए दोस्तों अब कुछ न्यूमेरिकल डेटा को देखते हैं। एरिया कंपैरिजन, कराची का सिटी एरिया 3530 किलोमीटर स्क्वायर के लैंड में स्पेनिंग है, जबकि मुंबई सिटी की मेगा सिटी 603.4 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि मेट्रो सिटी 4355 किलोमीटर स्क्वायर के लैंड में स्पेनिंग है। तो एरिया का पहला पॉइंट मिलेगा मुंबई सिटी को। पॉपुलेशन इन 2023, कराची सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 1,72,00,000, जबकि मुंबई सिटी की पॉपुलेशन 2,12,00,000 के समथिंग है। तो पॉइंट अगेन मुंबई सिटी को एंड स्कोर होता है 0-2। गाइस यहाँ कराची के हर एक किलोमीटर के दायरे में आपको 4,872 पीपल देखने को मिलेंगे। वहीं मुंबई सिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी 4,867 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो यहाँ पर पॉइंट कराची सिटी को मिलेगा। रिलीजन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, कराची सिटी में 96.4% इस्लाम, 2.42% क्रिश्चियनिटी, 0.86% हिंदुइज्म एंड दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं एंड कराची की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू एंड सिंधी है। मुंबई सिटी में 65.96% हिंदुइज्म, 20.65% इस्लाम, 3.27% क्रिश्चियनिटी, 4.16% जैनिज्म एंड दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी है। आइए दोस्तों कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखा जाए तो पाकिस्तान की कराची सिटी में आप पीएफ म्यूजियम, मजरी कुवैत, टीडीएफ मैग्नीफाइड साइंस सेंटर, पोर्ट ग्रैंड, मोहट्टा पैलेस, एम्प्रेस मार्केट एंड जैनब मार्केट को विजिट कर सकते हैं। वही मुंबई सिटी की बेस्ट टूरिस्ट साइट्स में गेटवे ऑफ इंडिया, संजय गांधी नेशनल पार्क, हजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव्स, सिद्धि विनायक टेम्पल, मरीन ड्राइव एंड कोलबा कॉजवे मार्केट शामिल है। दोस्तों आइए अब एक नजर इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। तो कराची सिटी की जीडीपी पीपीपी 2023 में $210 बिलियन की है एंड जीडीपी पर कैपिटा 12,209 US डॉलर्स का। मुंबई सिटी की जीडीपी पीपीपी 650 बिलियन डॉलर्स की एंड नॉमिनल जीडीपी 340 बिलियन डॉलर्स की है एंड जीडीपी पीपीपी पर कैपिटा 30,660 US डॉलर्स का है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे मुंबई सिटी को एंड स्कोर होता है 1.4 कराची एंड 4 पॉइंट्स पर मुंबई। सैलरी ऑफ अ पर्सन की बात की जाए तो एक आदमी की एवरेज मंथली सैलरी कराची सिटी में 11,942 इंडियन रुपी होती है, जबकि मुंबई सिटी में 61,700 इंडियन रुपी। तो यह पॉइंट फिर से मुंबई सिटी को एंड स्कोर होता है 1.5। आई दूसरे लास्टली कुछ रैंडम फैक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं। तो कराची सिटी का लिटरेसी रेट 81.52% का है, जबकि मुंबई सिटी का 89.2% का।
कराची का पॉवर्टी रेट 32% का है जबकि मुंबई सिटी का 20% का, तो पॉइंट मुंबई सिटी को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो क्लोथिंग, चाइल्ड केयर, होम रेंट एंड दूसरी सभी चीजों में कराची मुंबई से काफी सस्ता है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का पॉइंट कराची सिटी को मिलेगा एंड इसका ग्रोथ है 27। कराची में स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे पाकिस्तान का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहां पर 2021 एंड 22 में 51 लाख पैसेंजर्स ने विजिट किया। जबकि मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहां पर लास्ट ईयर 4.3 करोड़ पैसेंजर्स ने विजिट किया। गाइस, कराची सिटी में न तो कोई मेट्रो ट्रेन है न ही कोई लोकल ट्रेन, यहां पर आपको केवल देखने को मिलेगा मास रैपिड ट्रांजिट यानी बस सर्विस, जबकि मुंबई में मेट्रो भी है, लोकल ट्रेन्स भी हैं एंड बस सर्विस भी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो वीडियो हो चुकी है खत्म, वीडियो देख के आपको मजा आया और इतनी ज्यादा चीजें थी जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इस वीडियो के थ्रू काफी चीजें मुझे पता चली और काफी मजे की वीडियो थी। और मुंबई में मुंबई काफी आगे है और सबसे बड़ी बात की मुंबई को हमने हमेशा मूवीज में देखे और ड्रामों में देखे हैं और जितने भी फेमस एक्टर्स थे वो सब मुंबई में रहते हैं और मुंबई काफी प्यारा शहर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में जान के। और कराची भी काफ़ी अच्छा शहर है क्योंकि मैं वहाँ पर खुद भी रहती हूँ और सबसे बड़ी बात है वहाँ के खाने क्या ही बात है यार, इतने यमी है। मैं उसके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी और आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहिए तो मैं ज़रूर अपना रिएक्शन दूँगी। और आप अपनी वीडियो को एंड करके आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।